मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। बिना अनुमति के अमृत पाने का साहस भी कैसे किया तुमने? तुम इतने शीघ्र भूल गए कि राहु के साथ क्या हुआ था? मुझे स्मरण है प्रभु। तब ये भी स्मरण होगा कि मेरी आज्ञा के बिना अमृत पाने का अधिकार संपूर्ण सृष्टि में किसी को नहीं। किंतु तब भी तुम इसे देवताओं से छीन लाए, क्यों? प्रभु आप तो जानते हैं मैंने ये अमृत अपने लिए नहीं, अपनी मां की मुक्ति के लिए। कारण चाहे कितना भी उचित क्यों ना हो करो, तुम्हें बलपूर्वक अमृत पाने का अधिकार नहीं है। या तो तुम इसे इसी क्षण लौटा दो या परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं अमृत नहीं लौटा सकता। ऐसे में यदि आपके हाथों मुझे मृत्यु भी प्राप्त हो तो वो भी मेरे उत्थान का साधन बन जाएगी। तो तुम अमृत नहीं त्यागोगे, भले ही इसके लिए मेरे साथ युद्ध करना पड़े। प्रभु मेरी मां की मुक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। अपने उस धर्म की रक्षा करने के लिए यदि आपके साथ युद्ध करने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये कैसा अनर्थ हो रहा है कि एक पुत्र अपनी मां के लिए अपने परम पिता प्रभु से युद्ध करने के लिए विवश हो गए। और वो परम पिता उसे समझने और क्षमा करने के स्थान पर उसे दंड देने के लिए तत्पर हो गए। क्या दोष है गरुड़ का कि उसने केवल मात्र सेवा और मात्र मुक्ति के अलावा कोई इच्छा नहीं रखी? और क्या दोष है विंता का कि उसने अपने पुत्र को केवल धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया? यदि भैया विष्णु से आज गरुड़ का कोई अहित हो गया तो विंता का अपने भगवान से विश्वास उठ जाएगा और फिर केवल भक्ति नहीं भगवान भी हार जाएंगे। केवल अपनी माँ का कष्ट दिखाई दे रहा है गरुड़। तुमने और तुम्हारी माँ ने सच्चे हृदय से मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। अमृत को वापस कर दो और अपने प्राणों की रक्षा करके अपनी माँ के पास लौट जाओ। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो जिस माँ के लिए तुम ये अमृत ले जाना चाहते हो वो जीवित तो रहेगी
और उसके भीतर की सभी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, प्रसन्नताएं सब तुम्हारे साथ ही मर जाएंगी। तब उसका पूरा जीवन पत्थर की शिला की तरह बीतेगा, जीवन के हर सुख से हीन, निष्प्राण, निर्विकार, कोई संवेदना नहीं, केवल वेदना होगी उसके मन में, कभी ना समाप्त होने वाली वेदना। मैं जानता हूं प्रभु, परंतु मेरी मां जो आज तक दासी का जीवन जीती आई है, वो भी मृत्यु से कम कष्टकारी नहीं है। उनके मन में अभी केवल वेदना ही है प्रभु, कभी ना समाप्त होने वाली वेदना। और इसके अतिरिक्त मैंने बड़ी माँ को वचन भी दिया है प्रभु कि मैं अमृत के कलश के बिना उनके पास वापस नहीं लौटूंगा, और अमृत पाने के विचार से ही वो इतनी प्रसन्न है कि उन्होंने माँ को दासता से मुक्ति का वचन दिया है प्रभु। ऐसे में यदि मैंने अपना वचन पूर्ण नहीं किया और उनके पास खाली हाथ लौट गया तो उन्हें बहुत कष्ट होगा प्रभु। तुम्हें केवल अपनी माँ का कष्ट दिखाई दे रहा है गरुड़, पर उन माँ का क्या जिन्हें तब कष्ट होगा जब अमृत पीकर नाग उन्मुक्त होकर पूरे संसार में विश्व लाएंगे। क्या उन सब की पीड़ा का तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं? तुमने स्वयं देखा है गरुड़, विष की एक बूंद भी कितना विनाश कर सकती है। यदि एक सहस्त्र सर्प वैसे विष को हर स्थान में फैला देंगे तो संसार का नाश नहीं होगा? क्या असंख्य माओ के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज नहीं उठेगा? क्या अपनी माओ के सुख के लिए असंख्य माओ को कष्ट देना उचित है? कष्ट देना उचित है? कष्ट देना उचित है? मेरी माँ ने सदैव आपकी भक्ति की है प्रभु, और आपके बनाए नियम सभी के लिए एक समान होते हैं, तो फिर मेरी माँ इन नियमों की अपवाद क्यों? मेरी माँ को उनके सुकर्मों के फल क्यों नहीं मिलने चाहिए प्रभु? असंख्य माओं का कष्ट दूर करने के लिए मेरी एक माँ को सदैव कष्ट सहना पड़े, क्या ये उचित होगा प्रभु? निर्दोष होकर भी दासता के बंधन में बंध कर रहना पड़े, जीवन भर अपनी ही बहन का अत्याचार सहना पड़े, क्या ये उचित होगा प्रभु? असंख्य माओं के जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए मेरी एक माँ का जीवन पूरी तरह से असंतुलित हो जाए, क्या ये न्याय होगा प्रभु? यदि अब भी आपको लगता है प्रभु मैं अधर्म कर रहा हूं, तो चलाइए चक्र, अपनी मातृभक्ति की पूरी शक्ति के साथ सामना करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः।
ओम श्री मात्रे नमः। गरुड़! इस अनर्थ दृश्य की कल्पना ही इतनी भयानक है। मुझे प्रभु को ये अनर्थ करने से रोकना ही होगा। ओम श्री मात्रे नमः। 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 रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए प्रभु। आप ऐसा नहीं कर सकते देवी। आप हस्तक्षेप मत कीजिए। गरुड़ को सृष्टि का संतुलन नष्ट करने से रोकना होगा मुझे। आप जो संतुलन की बात कर रहे हैं प्रभु, उसका आधार धर्म है। और धर्म का आधार विश्वास है। वो विश्वास जिसके स्तोत्र विंता और गरुड़ जैसे आपके भक्त है। वो विश्वास जिसके साथ यदि सेवा की जाए तो प्रभु दत्तात्रेय जैसे कटुभाषी अवतार भी आशीर्वाद दे देते हैं। और वो विश्वास जिसके कारण ये जानते हुए भी कि गरुड़ अमृत छीनने जा रहा है, ऋषिगण ने उसे हर कार्य में सफल होने का वरदान दिया है। तू और तेरी माँ ने अब तक बहुत कष्ट सहे, किंतु अब नहीं। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तू इस यात्रा पर निकला है, तुझे वह अवश्य प्राप्त होगा। आप निश्चिंत रहे पक्षीराज, इस परीक्षा में आपके धर्म की रक्षा अवश्य होगी। प्रभु, आज यदि आपने गरुड़ को दंड दिया तो ऋषिगण की वाणी असत्य हो जाएगी, भक्तों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा, भक्तों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। सखी लक्ष्मी तो गरुड़ की रक्षा के लिए भैया विष्णु के समक्ष भी खड़ी हो गई। और सबसे अधिक बुरी बात तो ये हो कि पृथ्वी पर भगवान रूपी इस संसार की हर माँ का सम्मान सदा सदा के लिए अपना महत्व खो देगा। ना सौभाग्यशाली हूं मैं कि मेरी मां की मुक्ति के लिए स्वयं संसार की मां आई है। देवी, मैं आपकी और गरुड़ की भावनाओं का सम्मान करता हूं, पर मैं नागों को अमृत ले जाने की अनुमति नहीं दे सकता। अमृत जीवन का वरदान, और यदि यही सृष्टि मृत्युदाता विष व्याप्त करने में सहायक बन जाए तो इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा। प्रभु, विंता की मुक्ति के लिए कोई उपाय खोजिए ना।
कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे कि कद्रू को आभास हो जाए कि उसकी मन की हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो फिर एक ही उपाय है गरुड़, इस अमृत को तुम्हें स्वयं पीना होगा। इस एक अवसर के अतिरिक्त तुमने सदैव धर्म का पालन किया, इसलिए यदि तुम चाहो तो इस अमृत को पी सकते, तब नाग तुम्हारे साथ युद्ध में सहज ही पराजित होंगे और उनकी मां कद्रू को तुम्हारी मां को मुक्ति देने में विवश होना पड़ेगा। तो ये थी सखा की योजना। अब तक जो भी हुआ वो केवल स्थिति तक पहुंचने का माध्यम था, बस और कुछ नहीं। तो क्या भैया विष्णु गरुड़ की परीक्षा ले रहे? सोच क्या रहे हो गरुड़, ये अमृत ही तुम्हारी हर समस्या का समाधान है, पी लो इसे। सभी दिव्य शक्तियों ने सदैव सदैव मेरे साथ पक्षपात किया है और तेरा साथ दिया है, क्यों मिलता? ऐसा क्या है तुझमें जो मुझमें नहीं है? क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं अमृत ग्रहण नहीं कर सकता। मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैंने अमृत अपनी मां की मुक्ति के लिए लिया था, अपने लिए नहीं प्रभु। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि मैं अपनी मां को बल से मुक्ति नहीं दिला सकता। मैं जानता हूं अपनी मां को, वो तब तक मुक्ति स्वीकार नहीं करेंगी जब तक बड़ी मां स्वयं अपनी इच्छा से दासता का बंधन तोड़ दे। और क्या करूं? और यदि मैंने अमृत पी लिया, बड़ी मां को बहुत दुख होगा प्रभु। वैसे भी आज तक उन्हें यही लगता रहा है कि सभी ऋषि मुनियों देवी देवताओं ने सदैव मेरा साथ देकर उनके पुत्रों के साथ पक्षपात किया है। यदि अमृत भी नागों के स्थान पर मुझे मिल गया तो बड़ी मां टूट जाएंगी प्रभु। मैं अपनी बड़ी मां के साथ ऐसा निष्ठुर व्यवहार नहीं कर सकता, क्षमा कीजिए प्रभु। तुम विलक्षण हो गर्व, तुम्हारे हाथ में अमृत का कलश और स्वयं प्रभु विष्णु ने तुम्हें अमृत पान की आज्ञा दी है, लेकिन तुम्हारे मन में अमृत का तनिक भी मोह नहीं। केवल इतना ही नहीं देवी, इसके मन में उस मां के लिए भी इतना सम्मान जिसने इसकी मां को इतने कष्ट दिए। गरुड़, तुमने मुझे यह विश्वास दिला दिया है कि साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय तुम्हें यह अमृत ले जाने से नहीं रोक सकता। जाओ, ले जाओ इसे। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु, बहुत बहुत आभार।
मैं जानता हूँ सखा, गरुड़ को अमृत लेकर जाने के पीछे भी आपकी एक योजना है, ताकि गरुड़ की योग्यता की आप एक और परीक्षा ले सकें। गरुड़, प्रभु विष्णु के समझाने पर भी तुम नहीं माने, अगर ये अमृत विषैले सर्पों के हाथ लग गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।